यही वजह है कि ये कंटेनर शिप्स 11 मीटर यानी 36 फुट ऊंची लहरों का सामना कर सकती है। इस सिस्टम की वजह से समुद्र में होने वाले एक्सीडेंट्स में काफी कमी आई है। शिप के निचले हिस्से में 19 अंडर वाटर होल्स होते हैं। रिसर्च के उद्देश्य से लाइफ बोट क्रू मेंबर्स को सीधे खुले समुद्र में छोड़ दिया जाता है। अगर आप अपने घर पर बैठकर दुनिया के किसी दूसरे कोने से बनी हुई प्रोडक्ट्स का उपयोग कर रहे हैं तो वे आप तक कैसे पहुंची होंगी। कंटेनर शिप्स के माध्यम से अलग अलग देश व्यापार और परिवहन करते हैं। ये बड़ी बड़ी शिप्स पूरी दुनिया में तरह तरह की चीजें जैसे कार्गो, इलेक्ट्रॉनिक्स और फूड सप्लाई को ले जाने के लिए उपयोग होती हैं। जितनी बड़ी शिप्स उतना ज्यादा कार्गो, और इसका मतलब है कि कार्गो की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है। इन शिप्स का प्रमुख लक्ष्य होता है कि समुद्र में आने वाले तूफानों और तेज हवाओं से सुरक्षित निकल सके। सिर्फ तूफान ही नहीं बल्कि उसके साथ आने वाली बड़ी लहरें भी सबसे बड़ा खतरा होती हैं, जिससे निपटने के लिए कंटेनर शिप्स को तैयार रहना पड़ता है। अगर एक शिप बड़ी लहरों या तूफान में फंस जाए तो संभावना है कि वह शिप या तो पलट जाएगी या पूरी तरह डूब जाएगी। इसलिए कंटेनर शिप्स को बहुत सोच समझकर डिजाइन किया जाता है और इनमें ऐसे फीचर्स इंस्टॉल किए जाते हैं ताकि ये तूफानों और लहरों का मुकाबला कर सके। आज के दौर में लगभग हर कंटेनर शिप में डबल हल्स होते हैं, जिन्हें अन्य शिप्स की तुलना में अधिक सटीकता से डिजाइन किया जाता है। कंटेनर शिप्स में कम कोएफिशिएंट होता है, जो 0.6 से 0.7 तक रहता है। इसी वजह से ये पानी में आसानी से चल सकती है और 24 नॉट्स की स्पीड तक पहुंच सकती है। आधुनिक कंटेनर शिप्स का निचला हिस्सा इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि अधिक से अधिक कार्गो नीचे के हिस्से में फिट हो सके। शिप डिजाइनर्स इन शिप्स को खास तौर पर आयताकार आकार में डिजाइन करते हैं। इसी तरह शिप को और मजबूत बनाने के लिए इसके मिडिल को टॉर्शन बॉक्सेस के साथ रीइंफोर्स किया जाता है। यही वजह है कि ये कंटेनर शिप्स 11 मीटर यानी 36 फुट ऊंची लहरों को भी सहन कर सकती है। कंटेनर शिप्स की हर एक चीज को प्रारंभिक चरणों में बहुत सावधानी से प्लान किया जाता है। जब शिप का डिजाइन पूरा हो जाता है तो इसे टेस्टिंग फेज से भी गुजारना पड़ता है। ये सभी प्रक्रियाएं शिप की कंस्ट्रक्शन से पहले की जाती हैं। टेस्टिंग फेज के दौरान यह संभावना होती है कि अधिक फेलियर्स सामने आएंगे, जिससे डिजाइनर्स को फायदा होता है ताकि हर चीज का सही मूल्यांकन कर इसे और बेहतर डिजाइन किया जा सके। उदाहरण के तौर पर मैरिटाइम रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो नीदरलैंड्स में स्थित है, वहां मॉडलिंग तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इसमें एक शिप को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में विकसित कर टेस्ट किया जाता है। इस रिसर्च फैसिलिटी में विशेष मॉडलिंग टूल्स का उपयोग किया जाता है, जिनकी मदद से कंटेनर शिप्स को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों जैसे तेज हवाएं, ऊंची लहरें, पानी की गहराई आदि में टेस्ट किया जाता है। इसका उद्देश्य यह होता है कि हर चीज का विश्लेषण बिल्कुल सटीकता के साथ हो सके। रिसर्चर्स का कहना है कि कंटेनर शिप्स की नेविगेशन आमतौर पर स्मूथ होती है, लेकिन अत्यधिक मौसम की स्थितियों जैसे तूफान या बड़ी लहरों से इन शिप्स को खतरा हो सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा भी इसी तरह की सिमुलेशन आधारित डिजाइन तकनीकों का उपयोग करके शिप्स की टेस्टिंग और विश्लेषण करती है। कई वर्षों से इन सिमुलेशन तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है ताकि कंटेनर शिप्स की सुरक्षा को लगातार बेहतर बनाया जा सके। एक लंबी टेस्टिंग के बाद जब शिप का डिजाइन इम्प्रूव हो जाता है, तब शिपयार्ड में कंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया शुरू की जाती है। कंस्ट्रक्शन प्रक्रिया में शिप को विभिन्न सेक्शंस में पहले से तैयार किया जाता है। बड़ी बड़ी स्टील शीट्स को विभिन्न आकारों में काटा जाता है और फिर प्रेशर से इनकी शेपिंग की जाती है। इसके बाद इन स्टील प्लेट्स को वेल्डिंग से जोड़ा जाता है, जिससे कई असेंबलियां बनती हैं। इन असेंबलियों को बाद में जोड़कर बड़े सेक्शंस तैयार किए जाते हैं। इन सेक्शंस को ड्राई डॉक्स पर लिफ्ट किया जाता है, जहां इन्हें आपस में वेल्ड किया जाता है और इस तरह शिप का स्ट्रक्चर तैयार होता है। इसके बाद इसमें इंटीरियर कंपोनेंट्स इंस्टॉल किए जाते हैं। जब सभी असेंबल्ड सेक्शंस तैयार हो जाते हैं तो इन्हें पेंटिंग और प्रोटेक्टिव कोटिंग से गुजारा जाता है। अन्य कंपोनेंट्स जैसे रडर्स और प्रोपेलर्स को सैंड कास्टिंग तकनीक से कास्ट किया जाता है। जब प्रोपेलर्स का काम पूरा हो जाता है, अगला काम होता है उन्हें शिप के अंदर स्थापित करना। जब सभी पार्ट्स अपनी जगह पर लग जाते हैं, तब शिप समुद्र में जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है। कार्गो अनलोडिंग के वक्त शिप को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में बनाए रखना पड़ता है। इसके लिए एंटी हीलिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है, जो शिप के टिल्ट एंगल का पता लगाकर उसे ऑटोमेटिकली बैलेंस करता है। बैलेंस करने के लिए यह सिस्टम विपरीत दिशा की टैंक्स में पानी पंप करता है, जिससे शिप का संतुलन बनाए रखा जाता है। इस सिस्टम में एक मेन कंट्रोल पैनल, पंप स्टार्ट पैनल और एंटी हीलिंग पंप होते हैं। यह सिस्टम सिर्फ कार्गो अनलोडिंग के दौरान काम आता है, चलती हुई शिप्स में इसका कोई उपयोग नहीं होता। कंटेनर शिप्स पर बैलेंस पॉइंट्स का बहुत ध्यान रखा जाता है। ये बैलेंस पॉइंट्स शिप की स्थिरता के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। शिप दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण तब होता है जब क्रू सही तरीके से शिप की स्थिरता के कैलकुलेशन नहीं कर पाते। इसलिए क्रू मेंबर्स को स्वयं इन बैलेंस पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है। यदि इन बैलेंस पॉइंट्स का सही तरीके से ख्याल रखा जाए तो शिप खराब से खराब मौसम से सुरक्षित निकल सकती है। न केवल कंटेनर शिप्स बल्कि अन्य प्रकार की शिप्स में भी स्थिरता बनाए रखने के लिए डिवाइस का उपयोग किया जाता है। इनमें से एक डिवाइस का नाम फिन स्टेबिलाईजर है। ये फिन्स
शिप के हल निचले हिस्से पर दोनों साइड्स में लगाए जाते हैं और पूरी शिप की लंबाई तक फैले होते हैं। इनकी मदद से शिप तेज गति पर भी अपनी स्थिरता बनाए रख सकती है। इसके अलावा स्थिरता के लिए शिप में एक्टिव रोलिंग टैंक का भी उपयोग किया जाता है। ये टैंक तब सक्रिय होते हैं जब शिप बाईं या दाईं ओर झुकती है। जैसे ही शिप झुकती है उसके विपरीत दिशा में पानी पंप किया जाता है जिससे शिप की रोलिंग मोशन कम हो जाती है। एंटी रोलिंग टैंक्स दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव रोलिंग टैंक में पानी पंप करने के लिए पंप का उपयोग होता है जबकि पैसिव रोलिंग टैंक बिना पंप के काम करते हैं। एक और स्थिरता डिवाइस जिसे फिन स्टेबिलाईजर कहा जाता है का उपयोग किया जाता है। इसकी आकृति फिन जैसी होती है और यह शिप के हल पर लगी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि फिन स्टेबिलाईजर्स को नियंत्रित किया जा सकता है और विभिन्न दिशाओं में सिस्टम की मदद से मूव किया जा सकता है। इस डिवाइस का काम शिप की मोशन को नियंत्रित करना होता है। जब शिप पानी में इधर उधर रोल करती है तो सिस्टम हाइड्रो इलेक्ट्रिक फॉर्म में एक सिग्नल भेजता है जिससे फिन स्टेबिलाईजर सक्रिय हो जाते हैं। हालांकि तेज चलती हुई शिप्स में यह सिस्टम उतना प्रभावी नहीं होता। आधुनिक कंटेनर शिप्स में एडवांस्ड वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम भी होते हैं जिनमें वेदर रडार, सैटेलाइट्स और वेदर मॉनिटरिंग बॉक्सेस का उपयोग किया जाता है। इनकी मदद से परिस्थितियों के बारे में सटीक जानकारी मिलती है जिससे यह समझा जा सकता है कि मौजूदा स्थिति में क्या हो रहा है। इस सिस्टम की वजह से समुद्र में होने वाले हादसों में बहुत हद तक कमी आई है। इस एडवांस्ड वेदर सिस्टम की मदद से क्रू को रियल टाइम मेटियोरोलॉजिकल डेटा मिलता है जिसमें हवा की गति, लहरों की ऊंचाई, तापमान और बैरोमीट्रिक प्रेशर की जानकारी शामिल होती है। ये डेटा हर 5 मिनट में अपडेट होता है जिससे क्रू खतरे को बेहतर तरीके से समझ सकता है और उचित निर्णय लेकर सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। यह वेदर सिस्टम रास्ते में आने वाले तूफानों की चेतावनी भी देता है जिससे शिप का क्रू उसी हिसाब से शिप की स्पीड और दिशा को एडजस्ट करके सुरक्षित रास्ता अपना सकता है। इस एडवांस्ड वेदर सिस्टम ने कई शिप्स को टकराव और पलटने से भी बचाया है। दूसरी ओर फ्लोटिंग इंस्ट्रूमेंट प्लेटफॉर्म से भी महत्वपूर्ण डेटा इकट्ठा किया जाता है। कंटेनर शिप्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों स्थितियों में रोटेट कर सकती हैं। शिप के निचले हिस्से में 9 अंडर वाटर होल्स रखे गए हैं जिनकी वजह से शिप खतरनाक तूफानों में भी स्थिर रहती है। लेकिन फिर भी कंटेनर शिप का समुद्र में सफर हमेशा स्मूथ नहीं होता। कभी कभी इन शिप्स को सबसे कठोर मौसम का भी सामना करना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि इन शिप्स में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स का उपयोग होता है और इसके साथ ही ट्रेन्ड और अनुभवी स्टाफ होता है। शिप के क्रू मेंबर्स को इमरजेंसी प्रोसीजर्स की भी सख्त ट्रेनिंग दी जाती है जिसके बिना कोई भी क्रू मेंबर शिप पर काम नहीं कर सकता। इनमें से एक प्रमुख ट्रेनिंग है नेविगेशन ट्रेनिंग जो कि रियल शिप पर दी जाती है। यह एक बहुत ही जोखिम भरा काम होता है। इस ट्रेनिंग सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए कंप्यूटर बेस्ड सिमुलेशन और ट्रेनिंग सेंटर्स भी बनाए गए हैं जिन्हें सिमुलेटर्स कहा जाता है। इन सिमुलेशन में एक व्यक्ति सेफ्टी के साथ ट्रेनिंग लेकर शिप के बारे में सब कुछ सीख सकता है। सिमुलेशन रूम्स में क्रू मेंबर्स को विभिन्न स्थितियों का सामना कराकर उनकी प्रतिक्रिया को परखा जाता है। सिमुलेटेड ट्रेनिंग रूम्स क्रू को ट्रेन करने का सबसे सस्ता और प्रभावी तरीका है जहां हर प्रकार के मौसमी हालात की सटीक सिमुलेशन करके क्रू मेंबर्स को यथार्थवादी ट्रेनिंग दी जाती है। इससे उनका मस्तिष्क कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार होता है। इमरजेंसी परिस्थितियों में क्रू मेंबर्स आपस में सहयोग और संचार करना भी सीखते हैं। कंटेनर शिप्स ही नहीं लाइफ बोट क्रू को भी इसी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। रेस्क्यू मिशंस के लिए रॉयल नेशनल लाइफ बोट इंस्टीट्यूशन जैसे संस्थान कई कार्यक्रम ऑफर करते हैं। लाइफ बोट के क्रू मेंबर्स को ट्रेनिंग के लिए सीधे खुले समुद्र में भेजा जाता है ताकि वे वास्तविक परिस्थितियों से निपटने का अनुभव हासिल कर सकें। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।